Hi students, hope you all are fine. In our previous lecture, we have discussed about body coverings, which is shells and scales. Now there are more body coverings like fur, feathers and hard body coverings. Firstly, we will discuss about fur. What is fur or wool? The body of animals such as polar bear, york is covered with thick fur. पोलर बियर हो गया है, यॉर्क हो गया, इनकी बॉडी किससे कवर होती है? थिक फर से कवर होती है. शीप्स बॉडी इज कवर्ड विथ वूल. एज वी नो दैट शीप्स बॉडी इज कवर्ड विथ वूल. दिस हेल्प्स एनिमल्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन कोल्ड वेदर. ये किसमें हेल्प करती है? एनिमल्स को कोल्ड वेदर में गर्म रखने में, उनको वार्म रहने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज फेदर्स. व्हाट आर फेदर्स? पंख. The body of birds is covered with feathers. Birds की body feathers से covered होती है. Birds have three types of feathers. Birds में three types of feathers present होते हैं. कौन कौन से? First is flight feathers, second is body feathers, and third is down feathers. Flight feathers which helps the birds to fly, जो birds को fly करने में help करते हैं. And body feathers which cover the body, जो बर्ड की बॉडी को कवर करके रखते हैं. एंड डाउन फेदर्स कीप्स द बॉडी ऑफ बर्ड वार्म. जो बर्ड की बॉडी को क्या करते हैं? वार्म रखते हैं. सो हेयर इज फ्लाइट फेदर, बॉडी फेदर्स, एंड नीचे वाले को डाउन फेदर्स. नेक्स्ट इज हार्ड बॉडी कवरिंग. इंसेक्ट सच इज कॉकरोचेस या अर्थ फॉर्म्स हैव अ हार्ड बॉडी कवरिंग. उनकी बॉडी पे एक हार्ड कवरिंग होती है जो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ काइटिन, जो काइटिन की बनी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी कवरिंग्स. सो आवर नेक्स्ट एडेप्टेशन इज ब्रीथिंग ऑर्गन्स. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स सूटेड टू देयर हैबिटेट्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनकी हैबिटेट को सूट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज स्किन. एनिमल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. एनिमल्स सच एज अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट स्किन फॉर ब्रीथिंग. जो अर्थवर्म होता है, किंचवा, वो क्या करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज करता है ब्रीथिंग के लिए. अदर एग्जाम्पल इज फ्रॉग. फ्रॉग ऑल्सो यूज देयर स्किन फॉर ब्रीथिंग इन साइड द वॉटर. जब वो पानी के अंदर होते हैं फ्रॉग्स, तो वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपनी आईज से, नेक्ड आईज से नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ब्रेथ थ्रू बॉडी सरफेस. तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं? सांस लेते हैं. लाइक अमीबा, पैरामीशियम. नेक्स्ट इज गिल्स. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स. व्हाट इज एक्वेटिक वर्ड हियर? रिलेटेड टू वाटर. जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं सच एज फिश, प्रॉन्स, ब्रेथ थ्रू गिल्स. वो कैसे ब्रेथ करते हैं? गिल्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं. गिल्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. गिल्स उनको क्या हेल्प करती है? जो वाटर में ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. फिश की बॉडी में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? गिल्स प्रेजेंट होती हैं. वो अपने माउथ के थ्रू वाटर अंदर जाता है, वाटर गिल्स से पास होता है, और जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. नेक्स्ट इज स्पाइरेकल्स. इंसेक्ट्स हैव स्पाइरेकल्स फॉर ब्रीथिंग्स. इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए. दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट अलोंग द बॉडी साइड. ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो उनके बॉडी की साइड पे प्रेजेंट होते हैं. लाइक दिस इज स्पाइरेकल्स. इन्हीं के थ्रू जो हवा होती है वो अंदर जाती है, इन्हीं के थ्रू हवा बाहर आती है, और इन्हीं के थ्रू ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं. सो दिस इज फॉर नाउ स्टूडेंट्स. हैप्पी लर्निंग.